हेलो एंड वेलकम टू विंगजेक उड़ान विंगजेक उड़ान में आपका स्वागत है जैसे कि हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक्स की तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए जो कि प्रोडक्शन फंक्शन पे ओके तो इसमें आपके ट्वेंटी अप्रॉक्स ट्वेंटी प्लस एम रहेंगे और कल एक और सीरीज़ आएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन पर ही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर तो उसमें भी आपके अप्रोक्स ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन रहेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ तो आपका प्रोडक्शन क्या रहता है कि हम कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज डेनोटेड इज योर क्यू एक्स और इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन को लिखते कैसे हैं योर क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है क्वांटिटी प्रोड्यूस इज अ फंक्शन ऑफ जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज कर रहे हैं मान लीजिए कैपिटल यूज कर रहे हैं लैंड यूज कर रहे हैं या अगर आप लेबर uh, यूज कर रहे हैं सो दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन जहां पे जो आउटपुट है योर प्रोडक्शन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज कैपिटल लैंड लेबर टेक्नोलॉजी वट ओके सो प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन टू वॉट इज प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है सो so, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे डोनेट करते हैं फंक्शन ऑफ योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एन एल ले लो लैंड एंड कैपिटल सो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू कैन से दिस इज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने से हमारे पास कितना आउटपुट आ रहा है दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन

ंग अपू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री लॉ वेरिएबल प्रपोशन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन लॉन्ग रन योर बो शग रन और वेरी लॉन्ग रन सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन क्या होता है लॉ वेरिएबल प्रपोशन शॉर्ट रन में होता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है देखो शॉर्ट रन मीन्स यू हैव अ लिमिटेड टाइम यू कैन से फाइव ईयर्स वन ईयर और लॉन्ग रन हो गया आपका ज्यादा लंबा टाइम थर्टी फाइव ईयर्स फिफ्टी ईयर्स हंड्रेड ईयर्स डेट इज योर लॉन्ग रन सो शॉर्ट रन में आपके दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे वन इज योर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर वन इज योर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन

वेरिएबल फैक्टर जो है वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद योर फिक्स फैक्टर तो उससे क्या होगा इनिशियली जो आपकी फर्स्ट स्टेज आती है इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज ओके इवेंचुअली जो आपकी सेकेंड स्टेज आती है मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड इट बिकम्स जीरो ओके एंड जो आपकी थर्ड स्टेज आती है इट्स इट स्टार्टेड टू बी नेगेटिव एंड इवन मे गोइंग negative this is your st third stage. these are the three stages of your law of variable proportion law variable proportion hai? as more and more variable factors are combined with the fixed factor initially marginal product increase and eventually marginal products start declining uh, and it may uh, it may become zero and even uh, and uh, at the end it becomes negative these are this is your stages of law variable proportion and this is what your law variable proportion states okay so law of variable proportion is related with your short run नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्सड कॉस्ट ओके अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका डिफरेंस रहेगा टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट में वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा सो टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी नॉट टोटल फिक्स टोटल कॉस्ट जो आपकी होती है टोटल कॉस्ट क्या होती है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्सड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज वी नो इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमारे पास दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे एक इज फिक्स रहेगा एक वेरिएबल रहेगा तो जितना भी कॉस्ट आपका इनकर हो रहा है फिक्स फैक्टर पे वो आपका आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट और जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर पे वो आपका आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब फिक्सड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स है बिकॉज जैसे कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर फिक्स है तो उसका कॉस्ट फिक्स जमान लो आप यू हैव पीस ऑफ लैंड एंड लैंड का रेंट है फाइव थाउजेंड अगर आप जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आपको फाइव थाउजेंड रेंट पे करना पड़ेगा अगर आप हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो गुडेक्स के तो भी आप रेंट जो है वो फाइव थाउजेंड ही पे कर रहे हो अगर टू हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी पर मंथ रेंट जो है वो फाइव थाउजेंड ही है तो रेंट तो चेंज नहीं हो रहा है ना सो फिक्स फैक्टर जो है आपका कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर जो रहेगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट इर रिस्पेक्टिव कि आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो जैसे जैसे आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है मान लो वन गुनेट वन गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको वन लेबर लग रहा है जब आप वन गुनेट गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी लेबर कितनी लग रही है वन लेबर वन लेबर का कॉस्ट कितना है सिक्स हंड्रेड टू गुनेट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो आपकी लेबर लग रही है टू टू और दो लेबर का कॉस्ट कितना है ट्वेल्व हंड्रेड वैसे ही थ्री यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो आपकी लेबर लग रही है थ्री थ्री लेबर का कॉस्ट कितना है एटीन हंड्रेड सो दिस इज दिस इज द डिफरेंस कि अगर आपकी जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है सो द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आपका फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल uh, कॉस्ट uh, के बीच में डिफरेंस क्या है टीवीसी का और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टीवी सी हो रही है सो डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द लॉ वेरेबल प्रोपोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ वेरिएबल प्रपोशन को हम क्या कहते हैं तो लॉ वेरिएल प्रोपोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रोपोशन एट रिटर्न ओके मार्जिनल प्रोडक्ट इज द रेट एट विच डैश इंक्रीज और डिक्रीज सो जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी इन टोटल यूटिलिटी किया था मैंने आपको तभी बता दिया था कि मार्जिनल और टोटल का रिलेशन सेम रहेगा थ्रू आउट थ्रू आउट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल uh, और टोटल का सेम रिलेशन पढ़ेंगे सो मार्जिनल जो है वो आपका रेट होता है टोटल का मार्जिनल प्रोडक्ट इज द रेट एट विच योर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ओके क्वेश्चन सेवन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो योर मार्जिनल प्रोडक्ट ओके रेफर टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विन वन मोर यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर इज यूज इसके आगे लिख दो इन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकॉज हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो एजम्पन है वो लेके चलेंगे दैट इज इन शॉर्ट शॉर्टर वन फैक्टर इज फिक्स इन वन फैक्टर इज वेरिएबल सो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है दैट इज दैट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल आउटपुट हाँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपका चेंज इन टोटल आउटपुट ही होता है वेन वन मोर यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर इज यूज पर यहाँ पे गलत है क्योंकि शॉर्ट रन में योर फिक्स फैक्टर इज फिक्स फिक्स फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं हम तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं तो अगर हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से देखें तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट रिफर टू द चेंज इन विच टोटल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट वेन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज नॉट वन मोर यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर इज यूज सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके क्वेश्चन नंबर एट एवरेज प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल प्रोडक्ट तो एवरेज प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट सो एवरेज प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोडक्ट से एवरेज क्या होता है एवरेज इज बेसिकली अगर जैसे हम स्टैटिस्टिक्स uh, में भी हम एवरेज मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो एवरेज का यही फॉर्मूला होता है यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर टोटल प्रोडक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर लेबर जितना आपका वेरिएबल फैक्टर जो यूज हो रहा है दैट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो एवरेज प्रोडक्ट इज योर टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर ओके मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट वेन ओके तो ये हम बात करें अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बेसिकली कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कैसा रहता है सो so, अगर हम उसके ग्राफ की बात करें सो वी हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ यहाँ पे हमारा जो रहेगा टोटल प्रोडक्ट रहेगा और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ओके एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ टीपी चेंज सो so, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करता है यहाँ तक देन इट इज़ डिक्रीजिंग सॉरी ओके एंड देन इट इज नेगेटिव सो इनिशियली आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ तक जब इंक्रीज कर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे इस तरह का स्लोप रहता है इसका ओके देन मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज़ कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट तो इस तरह का रहता है देन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज़ कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है टोटल प्रोडक्ट स्टार्टेड डिक्रीजिंग सो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग होगा मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड ऐसे भी मार्जिनल प्रोडक्ट इज योर रेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट तो इफ टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट बोथ आर डिक्रीजिंग दैन ओके okay, तो जो भी हम हम जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम मार्जिनल एंड एवरेज का रिलेशन पढ़ते हैं तो याद रखना दैट मार्जिनल जो रहता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम सिग्निफाई करें यहाँ तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को कॉपी करेगा अगर एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ करेगा एवरेज प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज़ करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ करेगा ओके सो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज को कॉपी कर रहा है और इतना ज़्यादा कॉपी करता है कि अगर एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो एवरेज से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर हुआ एवरेज से अगर एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ करेगा और एवरेज uh, से ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा सो so, मतलब ये लेस देन हुआ है यहाँ पर एवरेज इज योर ग्रेटर हेयर ओके सो इफ बोथ आर डिक्रीजिंग योर मार्जिन एवरेज प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर इलेवन वेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन जैसे कि मैंने आपको दिखाया ग्राफ में जैसे इसका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ रहेगा जब आपका मार्जिनल जीरो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है योर टी पी इज़ मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है ओके एंड एवरेज प्रोडक्ट का क्या होगा सी एवरेज प्रोडक्ट इज नेवर नेगेटिव आपका जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है क्यों एवरेज जो होता है वो हमारा एवरेज uh, रहता है सबका सो so एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है दैट इज़ योर टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय योर लेबर सो एवरेज प्रोडक्ट आपका नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इज नेवर नेगेटिव ओके, सो एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट अ राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन ए टीपी इज़ मैक्सिमम एपी इज पॉजिटिव ऑप्शन बी टीपी मैक्सिमम एपी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग टी पी इज़ मैक्सिमम ए पी इज इनक्रीजिंग सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा आपका अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है तो टी पी तो मैक्सिमम होगा ही बिकॉज यही रिलेशन पड़ा है हमने टी पी और एम पी में हर जगह पे इवन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन योर टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हर एक में हमारा यही रिलेशन रहता है कि अगर आपका मार्जिनल जीरो है तो टी पी जो होगा वो मैक्सिमम होगा एंड आपका जो एवरेज प्रोडक्ट रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा बट देट विल भी डिक्रीजिंग क्योंकि यहाँ पर अभी आपका एम मार्जिनल जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो आपका

योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव सो मीन्स ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से आंसर होगा टी पी डिक्रीज कब करता है यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है सो यहाँ तक डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से डिक्रीज़ करना शुरू हो गया और यहाँ पे मार्जिनल जो होगा यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हुआ और यहाँ पे नेगेटिव में हो गया सो टी पी जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो है एट दैट पॉइंट योर टी पी जो होगा वो मैक्सिमम होगा ओके सो मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव में है ही है बट ए पी आपका कभी नेगेटिव में नहीं होता तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इज डिक्रीजिंग टीपीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड एपी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन एपी इज मैक्सिमम वेन एपी इज इक्वल टू एम पी एवरेज प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हो विच इम्प्लाइज उससे क्या मतलब है कि ए पी कव कट्स एम पी कव फ्रॉम द टॉप एपी कव कट्स एपी कव फ्रॉम बिलो एक ऑप्शन बिलो रहेगा ओके सो लेटर्स सी ओके सो इसको डायग्रामेटिकली समझने से पहले लेटर्स सी जो मैंने बताया आपको देट अगर तो आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ करेगा एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट ओके देन अगर आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज करेगा एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा राइट सो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट ओके अब इसी चीज़ को अगर मैं हम ग्राफ में लाते हैं तो कैसे आएगा ये सी ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है देन जीरो देन नेगेटिव ओके दिस इज द ग्राफ ऑफ योर मार्जिनल प्रोडक्ट सो अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा बट मार्जिनल प्रोडक्ट से कम इंक्रीज होगा समवेयर लाइक हेयर ये इसको कट करेगा एंड दिस इज योर एपी ओके मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर रहा है बट एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट सो वी कैन सी दैट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो टॉप से कट कर रहा है एपी को एट दिस पॉइंट एम पी इज इक्वल टू ए पी सो ये इसको टॉप से कट कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट इज कटिंग एपी कर्व फ्रॉम द टॉप सो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिलो होगा ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मूविंग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वैन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग सो इट्स ट्रू और फॉल्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग होता है तो आपका टीपी क्या होता है टोटल प्रोडक्ट इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट ओके, डिक्रीजिंग रेट क्या होता है ये मैंने जब यूटिलिटी वाली वीडियोस में आपको बताया था कि व्हाट इज डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज तो कर लाइक like पहले आपका टोटल प्रोडक्ट में फाइव यूनिट्स का इंक्रीज आया ओके okay? देन आपके टोटल प्रोडक्ट में फोर यूनिट्स का इंक्रीज आया देन टोटल प्रोडक्ट में थ्री यूनिट्स का इंक्रीज आया मतलब इंक्रीज तो आ रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

जब आपका वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन होता है एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइन विद द फिक्स फैक्टर इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज इवेंचुअली मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज एंड अ स्टेज कम्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट्स बिकम नेगेटिव Okay, so given all assumptions of law, initially marginal product increase, but eventually a stage comes when marginal products start declining, and ultimately become zero or even negative. Right answer. As the more and more variable factor is combined with fixed factor, initially marginal product increase, but eventually a stage comes when marginal products start declining and ultimately become zero or even negative. Both are the same statement. So option uh, C, both A and B is the right answer. Okay.

एम पी इज योर इंक्रीजिंग देन जब आपका टी पी मैक्सिमम होगा तो एम पी इज जीरो एंड देन नेगेटिव ओके सो सी जब तक आपका एम पी इंक्रीज करे टी पी इंक्रीज कराए इंक्रीजिंग रेट पे द रेट दिस पॉइंट जहाँ पे आपका स्टेज वन खत्म होता है और स्टेज टू स्टार्ट होता है द पॉइंट ए अगर मैं इसको डिनोट करूँ सो पॉइंट ए इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों इन्फ्लेक्शन है बिकॉज यहां पे आपके टीपी का रेट चेंज हो रहा है पहले आपका टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट पे। जब जहां से टीपी इंक्रीज होने लगा डिक्रीजिंग रेट पे वो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या आपका एमपी इंक्रीज हो रहा था जहां से एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओके जहां पर टी अपनी स्लोप को चेंज कर रहा है पहले टी की स्लोप क्या थी इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और जब टीपी की स्लोप डिक्रीज होने लगी मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट जहां टीपी अपनी स्लोप चेंज कर रहा है दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओके अभी अगर हमने ग्राफ बनाया ही है सो दिस पॉइंट जहां पे आपका एम पी जो है वो जीरो होता है और आपका टी पी पॉजिट मैक्सिमम होता है दैट इज योर पॉइंट बी अगर हम ले इसको तो बी इज योर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वेयर एम पी इज जीरो एंड टी पी इज मैक्सिमम ओके सो वॉट इज पॉइंट ऑफ इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन

वॉट आर द स्टेजेस ऑफ लॉ वेरियेबल प्रपोर्शन सो देर आर थ्री स्टेजेस जिसे पहले बताया था एम पी इंक्रीज एम पी डिक्रीज एंड एम पी इज़ नेगेटिव एम पी इज योर रिटर्न इफ यू टेक इट एज सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर नेगेटिव रिटर्न सो ऑल ऑफ दे अब इज राइट आंसर ट्वेंटी वन द इन ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्लाइज इफ यू आर हैविंग इन एफिशियंसी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज नॉट एफिशियंट जैसे कि हमने लिया था दैट वेरिएबल फैक्टर्स होमोजीनियस आर इक्वली एफिशियंट से दैट हमारे जितने भी एजम्पन में आ जाता है कि हमारे जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट आर एफिशियंट इफ दे आर नॉट एफिशियंट तो वी हैव डिक्रीजिंग रिटर्न ओके इन एफिशियंसीज दे आर डिक्रीजिंग रिटर्न क्वेश्चन ट्वेंटी टू Uh, when there are fixity of factors, fixity of factors, poor coordination between factors, and imperfect factor substitutability, uh, then there is increasing return, decreasing return, constant, or negative. See, fixity of factor means factor. आपका fixed ha, like you have one. पीस ऑफ लैंड आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है उसी पे आप लेबर्स को अटैच किए जा रहे हो लाइक वन पीस ऑफ लैंड पे आपने एक पॉइंट तक ट्वेंटी लेबर्स अगर आप लगाते हो तो आपका आउटपुट मैक्सिमम है यू कैन से आपका हंड्रेड प्रोडक्शन हो रहा है बट अगर आपने ट्वेंटी से थर्टी लगा दिए थर्टी लेबर्स लगा दिए तो आपका जो आउटपुट था वो हंड्रेड से एट्टी हो गया अब आपने थर्टी से आपके जो लेबर है वो आपने और बढ़ा दी फिफ्टी कर दी तो आपका आउटपुट जो है वो सेवेंटी हो गया और यू कैन से समवेयर अराउंड सिक्सटी हो गया सो दैट द फिक्स फैक्टर इज वेरी मच फिक्सड फिक्स फैक्टर को आप चेंज ही नहीं कर रहे हो आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो फिक्स फैक्टर को देन यू हैव पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स एंड इम फैक्टर सब्सिटेबिलिटी

वॉट हैपन्स वेन आइडियल फैक्टर रेशो इज क्रॉस्ड ओके सो वट इज योर आइडियल फैक्टर रेशो सो आपकी जो आइडियल फैक्टर रेशो होती है बेसिकली इट इज वेयर यू हैव सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में रहती है इट विच प्रोड्यूसर ऑफ वॉम वॉन्ट टू प्रोड्यूस जहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपका नेगेटिव सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव में नहीं है एंड Uh, आपका टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज हो रहा है भले एट डिक्रीजिंग रेट बट इट इज इज इंक्रीजिंग सो दिस योर आइडियल फैक्टर रेशियो और जब आपकी आइडियल फैक्टर रेशो क्रॉस हो जाती है सो so आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम द ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइन होना और इट इवन मे गो नेगेटिव सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर

मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव टोटल प्रोडक्ट फॉल्स वेन मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कम्बाइंड विद फिक्सड फैक्टर टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल करेगा टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा जब मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइन कंबाइंड विदिक्स फैक्टर ओके जब आपके मोर एंड मोर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है टोटल प्रोडक्ट इज बेसिकली आपका जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीज करेगा उसी हिसाब से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीज करेगा सो so लेटेस्टली अगर मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइन विद फिक्स फैक्टर है तो क्या होगा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा ओके और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट आपका जो है वो इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट ओके सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स टोटल प्रोडक्ट फॉल्स व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कम्बाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर राइट सो टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज़ करेगा एट डिक्रीजिंग रेट नो डाउट इवेंशुअली अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जा रहा है तो टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज़ करना शुरू होगा बट इनिशियली जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट ओके मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट पोनमेंट ऑफ लॉ वेरेबल प्रपोशन इज पॉसिबल अंडर विच कंडीशन तो पोस्ट पोनमेंट ऑफ लॉ वेरेबल प्रपोशन आपका तब होता है जब आपकी एजम्पन्स जो आए हैं आपकी लॉ वेरिएबल प्रपोशन को लेकर वो आपकी अगर वॉयलेट uh, होती हैं सो दैट इज द पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ वेरेबल प्रपोशन सो एज वी हैव टेकन इन एजम्पन दैट टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट सो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तभी पोस्टपोनमेंट होगा एंड देर देर आर सब्सिट्यूट्स ऑफ फिक्सर वी हैव समीट्यूट अब फिक्स फैक्टर आपके फिक्स नहीं रहे हैं दैट वी हैव पीस ऑफ लैंड अगर हम फिक्स फैक्ट्री में ले रहे हैं तो वी हैव प्रॉपर सब्सिट्यूट ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड अभी हम थोड़ा अपना काम जो है वो वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट विलीड टू पोस्टमेंट ऑफ लॉ वेबल प्रपोजन सो बोथ एंड बी इज अ राइट ऑप्शन ओके सो दिस इज अट ऑफ ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ऑन प्रोडक्शन फंक्शन अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो तो है वो कवर नहीं हुए जो कि नेक्स्ट वीडियो में होंगे एंड विद डैट नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट भी लेंगे एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर किस स्टेज तक जो है वो प्रोडक्शन करेगा स्टेज वन तक करेगा स्टेज टू तक करेगा क्या प्रोड्यूसर स्टेज थ्री में एंटर होगा कि नहीं होगा ओके सो दिज आर द वीडियोज ऑन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड योर प्रोडक्शन फंक्शन ओके थैंक यू एंड स्टे विद विदिंग्स एक उडान